हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिविडेंड बाय सीएम में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर आएगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा आने के चांस हैं। ये मैंने अपनी तरफ से आपके लिए गैस पेपर बनाया जो कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर अकार्बनिक रसायन के लिए गैस पेपर है जो कि मैंने बनाया है। मेरा नाम है शिवम कुमार, बीएससी पीसीएम एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरा स्पेशलाइजेशन है, उसके साथ में बीएड है और लगभग 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे बैठते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्वेश्चन क्या है कि SiCl4 का जलीय अपघटन हो जाता है जबकि CCl4 का जलीय अपघटन नहीं होता है, कारण सहित बताइए। SiCl4 इज हाइड्रोलाइज्ड बट CCl4 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, इसका आपको रीजन बताना, एक्सप्लेन विद रीजन। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो आपको नहीं आता है या आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या है, वाई पोलराइजिंग पावर ऑफ Cu पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Na पॉजिटिव। ये फैजांस के रूल पे डिपेंड है, तो फैजांस रूल आपको जरूर तैयार करना है। Cu पॉजिटिव की ध्रुवमण अक्षमता Na पॉजिटिव से अधिक क्यों होती है, ये आपको बताना है। उसके बाद में MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आधारित हमने एक क्वेश्चन दिया है, अरेंज द फॉलोइंग स्पेसीज इन डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विद रीजन। यहाँ पे आपको क्या करना है, O2 पॉजिटिव, O2, O2 माइनस, O2 डबल माइनस को इनके बंद वियोजन के घटते क्रम में कारण सहित लिखिए। आपको MOT के आधार पर इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब कि किसमें एनर्जी कम लगेगी किसमें ज़्यादा लगेगी, तो उसके आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखना है, ये MOT पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे वो किस पे है, अर्धचालक क्या होता है, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद में फ्लोरोकार्बन क्या है, व्हाट इज फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है जालक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लेटिस एनर्जी। एंड नेक्स्ट है आपको यहाँ पे HF बंद के लिए प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात कीजिए, फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ H सिंगल बॉन्ड F बॉन्ड। डाइपोल मोमेंट ऑफ H सिंगल बॉन्ड F दे रखा है यहाँ पे 1.92 डायोप्टर, बॉन्ड लेंथ दे रखे हैं यहाँ पे 0.92 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा, डाइबोरेन वाला, डाइबोरेन की संरचना बताइए, इसमें 3C2 इलेक्ट्रॉन को समझाइए, इसमें 3C2 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको आपको समझाना है। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन एंड एक्सप्लेन 3C2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, तो पाउली का अपोजिट नियम आपको यहाँ पे समझाना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट आर फजान्स रूल, एक्सप्लेन विद रीजन्स, फजान के नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने ये बना भी रखे हैं, फैजान सूट भी बनाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक कर देना और इसके बारे में कमेंट जरूर देना। मैं सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, सेक्शन बी में जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन जो आपके हैं 7.5 नंबर के होंगे, 2 में से 1 करना होगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, शॉर्ट नोट लिखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, हाइड्रोजन बंद किसको बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पे आपको, और उसके बाद में इसको हिंदी बोलते हैं संकरण, ये करें या इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ इज इट डिटरमाइंड, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, एंड हाउ इट चेंजेस इन ए ग्रुप एंड इन ए पीरियड। विद्युत ऋणात्मकता से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे ज्ञात करते हैं और इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यह समूह एवं आवर्त में कैसे परिवर्तित होती है, आपको ये पूरा कंप्लीट समझाना है। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, सेक्शन 2 कंटेन 2 क्वेश्चन, अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन है 7.5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बाइड क्या है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इनके बनाने की सामान्य विधि, गुण व उपयोग का वर्णन कीजिए। व्हाट आर कार्बाइड्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, डिस्क्राइब देयर जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज। नेक्स्ट इसके और में जो दे रखा अथवा में है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन ही
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये तो अच्छे से करना ही है। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है हमने बना रखी है वीडियोज़, आप देख सकते हैं। सेक्शन डी की तरफ चलते हैं, सेक्शन डी में भी टू क्वेश्चन हैं, अटैम्प्ट एनी वन, ईच क्वेश्चन हैज 7.5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईच, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहले आपको कंपेयर करनी है किसके बीच में, VBT एंड MOT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको तुलना करनी है। संयोजी बंध सिद्धांत तथा आणविक बंध सिद्धांत पर आपको यहाँ पे क्या करनी, आपको कंपेयर करनी। दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स, जो एल्कली मेटल्स होती हैं, फर्स्ट ए, यहाँ पे एल्कली मेटल्स आ जाए या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाए, कोई ना कोई आएगा इस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। अक्षार धातु तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए, या फिर आ सकता है आपका मृदा अक्षार धातुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेक्शन ई, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, टू क्वेश्चन दिए गए हैं, अटेम्प्ट एनी वन, ईच वन इज 7.5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग, पी ब्लॉक के तत्वों की प्रवृत्ति को निम्न के संदर्भ में विवेचना करनी है उनको। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयन निवेह, इनर्ट फेयर इफेक्ट, एक्रिलिक प्रभाव, आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या, कैटिनेशन पावर, श्रृंखला बनाने की श्रृंखलीकरण। अथवा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपका कोई सा भी आ सकता है, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस या फिर सल्फर या फिर हैलोजन या फिर क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों की संरचना की विवेचना कीजिए। डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस और सल्फर और हैलोजन्स और क्लोरीन, इनमें से आपको डेफिनेट इतना जरूर मिलेगा कि आप 80% के अप्रोक्सीमेट आ जाएं। इसी तरह की BSC पे हमने वीडियोस और दे रखी हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आपको बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना ताकि और बच्चों का भी इस पेपर के सहायता से फ़ायदा हो जाए। इसका जो लिंक होगा इस PDF का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको प्रॉब्लम करता है या आपको नहीं आता है तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दी जाए। धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड।